हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सेफ होंगे। दोस्तों तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं किया सेल्टोस के ड्राइवर डोर कंट्रोल्स के बारे में। कुछ कंट्रोल्स ड्राइवर्स के डोर्स पे दिए गए हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक चीज, छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी सेल्टोस है तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा और आप मेरे इस पॉइंट से एग्री करेंगे कि ड्राइवर डोर कंट्रोल्स तो ठीक है, सब कुछ है, लेकिन इल्यूमिनेशन ना होने की वजह से रात में प्रॉब्लम आती है। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मेरे को कमेंट में बताइए और मुझे पता चले कि भाई मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं। दोस्तों तो चलिए, ये तो अलग मुद्दा था। तो आज के इस वीडियो में आपको ड्राइवर डोर्स के सारे कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हो सकता है ये वीडियो आपके काम की। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, ज्यादा लंबी वीडियो ये नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो गाइस, किया सेल्टोस HTX वेरिएंट है मेरे पास और इसके डोर पे ये कुछ कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, आपके सामने देखने को मिलेंगे। हम शुरुआत करेंगे सबसे ऊपर वाले कंट्रोल से। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको करके भी दिखाऊंगा कैसे फंक्शन करता है। ये जो कंट्रोल है आपका, ये एक तरह से जॉयस्टिक की तरह काम करेगा। आपके दोनों रियर व्यू मिरर्स को, एक ये हो गया और एक इधर वाला हो गया, दोनों को एडजस्ट करने के ये काम आता है। ये जो बटन है आपके दोनों रियर व्यू मिरर्स को फोल्ड डाउन और अप करने के काम आता है मैन्युअली। ये है आपका मिरर सिलेक्शन, ठीक है। इसको यूज करने के लिए इसको यूज करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्लोजली आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये बटन जो आप देख सकते हैं, लॉक और अनलॉक, और ये सारे विंडो के, और एक ये कंट्रोल्स है जो आपके विंडो अप डाउन को लॉक कर देता है। तो चलिए शुरू से मैं आपको एक एक करके बताता हूँ उसके बारे में। अब मानिए कि आपको ये वाला जो रियर व्यू मिरर है इसको एडजस्ट करना है, तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये जो सेलेक्टर है इसको राइट पोजीशन पे रखना है जिससे आपका ये वाला मिरर सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपको देखना है, मैं इसको लेफ्ट राइट अप डाउन करूंगा तो ये भी मूव करेगा। चलिए अब शायद दोनों देख पा रहे होंगे, देखिए लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपना ये मिरर सेलेक्ट करिए राइट वाला और उसके बाद इसको लेफ्ट डाउन अप राइट कर दीजिए तो ये आपका एडजस्ट होने लगेगा। अगर वैसे ही आपको अगर ये वाला मिरर, लेफ्ट वाला मिरर एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नॉब है उसको लेफ्ट वाले मिरर पे कर लीजिए और सेम अगर मैं करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे अप डाउन लेफ्ट राइट, जैसा भी आप करना चाहे कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा फंक्शन है। अब इस बटन पे आते हैं। मानिए कि आप बहुत रश वाली गली में चल रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाली गली में चल रहे हैं आप, और उसके बाद आपको ये अचानक से क्लोज करने की नौबत आ गई। क्यों? तो ऑब्वियसली ये जो मिरर्स हैं करीबन 5 से 6 इंच ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हैं। अगर इतनी किल्लत आ रही है तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आप देखिए अगर मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो पहले फोल्ड हो जाएंगे दोनों के दोनों। चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, दूर से देखते हैं। मैं इसको दबा रहा हूँ, देखिएगा, देखिए दबा रहा हूँ और ये दोनों के दोनों फोल्ड हो गए। अभी सेम मैं इसको एक बार और प्रेस करूंगा तो दोनों के दोनों अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। तो ये इमरजेंसी में फोल्ड और फोल्ड डाउन करने के लिए और वापस ओपन करने के लिए काम आता है दोस्तों। तो ये फंक्शन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंट्रोल्स पे। आप ये देख सकते होंगे एक अनलॉक और लॉक है। ये सिंपल सा है, डोर लॉक्स हैं सारे, आपके चारों डोर लॉक और अनलॉक एक साथ होंगे। अभी चारों डोर लॉक है, अगर इसमें करूंगा तो आवाज सुनिएगा, आप देख सकते हैं ये चारों के चारों एक साथ अनलॉक हो जाते हैं इस बटन से, और सेम वे ये चारों के चारों लॉक हो जाते हैं इसी बटन से, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो ऑब्वियसली कुछ स्पीड अटेन करने के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। तो ये बटन इस काम में आते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ये चार जो कंट्रोल्स हैं ये विंडो रोल डाउन करने के लिए और रोल अप करने के लिए। तो ये आपका है जो ड्राइवर साइड वाला है, और ये एक स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये वन टच है, ठीक है। आप देखिएगा अगर मैं इसको वन टच छोड़ दूं तो वन टच में पूरा नीचे आ जाएगा, अगर इसमें एक बार ऊपर कर दूं तो वन टच में पूरा पूरा ऊपर चला जाएगा। लेकिन बाकी सारे जो है वन टच नहीं है, उनको मैनुअली पूरा नीचे तक ले जाना पड़ता है और ऊपर तक लेके आना पड़ता है। ऑल्दो आप देख सकते हैं हर दरवाजे पे अपना कंट्रोल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो वहां से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सेंट्रली ऑपरेट कर सकते हैं इनकेस
अगर पीछे वाले को नहीं पता है या वो भूल जाता है तो ये चारों विंडो है। यही इसका एक यही फायदा है कि ये जो है वन टच है, बाकी वन टच नहीं है दोस्तों। ये बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन बाकी भी वन टच देने चाहिए थे। और दूसरा है कि ये ग्लो नहीं करते हैं, तो रात में पता नहीं चलता भैया कौन सा विंडो है। तो उसके लिए भी एक मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा, आप देखिएगा अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा, तो वो सोल्यूशन बहुत कारीगर साबित हो सकता है दोस्तों। अब ये सब तो सबको पता है, ठीक है। एक ये बटन है दोस्तों, इसमें एक स्पेशल बटन दिया हुआ है। ये जो है आपका सारे विंडोज जो है एक्सेप्ट फ्रंट, पीछे के दो वाले अगर कहा जाए तो, पीछे के दो वाले दो जो विंडोज हैं उनको रोल अप रोल डाउन करने से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर मैं इस बटन को एक बार देखिए प्रेस कर देता हूँ तो ये नीचे वाली पोजीशन पे आके अटक जाता है। अगर इसमें अप करता हूँ तो पूरा ऊपर तक आता है, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो नीचे तक अटक जाता है। तो कुल मिला के ये है कि अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, मान लो ये ऑन पोजीशन पे है, तो जो आगे की दो विंडो है इनको आप आगे से ही रोल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर के पास तो सारे कंट्रोल्स रहते हैं, ड्राइवर तो कर ही सकता है, लेकिन अगर मैं इसको लॉक पोजीशन पे डालता हूँ तो जो पीछे वाली विंडोज है ना, जो पीछे वाली विंडोज है वो पीछे वाला पैसेंजर अप डाउन नहीं कर पाएगा। चलिए मैं आपको ना करके दिखाता हूँ, अगर दिखे तो आप देखिए। अगर मैंने उसको लॉक कर रखा है तो इसको मैं रोल डाउन नहीं कर पा रहा हूँ, रोल डाउन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वहां से एक बार अनलॉक करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने इसको यहाँ से अनलॉक कर दिया, अब ये वापस काम करने लगा, ठीक है। तो ये फंक्शन अच्छा है, अगर आप मान लो पीछे बच्चे बच्चे बैठे हैं या कुत्ता बैठा है, ठीक है, मतलब हाथ पैर मार दिया, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए, तो पीछे वाली जो दोनों विंडोज हैं वो पीछे वाले बंदे रोल डाउन नहीं कर सकते हैं। ये वाला हो जाएगा, ड्राइवर और को ड्राइवर वाला दोनों हो जाएगा, बस पीछे वाला रोल डाउन नहीं हो सकता, अप डाउन नहीं होगा, लॉक हो जाएगा अपनी जगह पे दोस्तों। तो ये सारे फंक्शंस थे, और इसके अलावा विंडोज पे मतलब और इसके अलावा ड्राइवर साइड में विंडोज पे कोई कंट्रोल आपके दरवाजे पे नहीं है, यही सारे कंट्रोल्स मेरे HTX वेरिएंट है, इसमें तो यही सारे कंट्रोल्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों किया सेल्टोस के HTX वेरिएंट पे आप देख सकते हैं कि जो जितने कंट्रोल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। जिनको मालूम था अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम था उनके तो थोड़ी बहुत काम की ये वीडियो होगी। ऐसे ही वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। मेरे पास किया सेल्टोस एनिवर्सरी एडिशन है, पेट्रोल वेरियंट है, मैनुअल, तो इससे रिलेटेड वीडियोज लेके आता रहता हूँ, और भी कार रिलेटेड वीडियोज मैं लेके आता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे इस वीडियो के थ्रू पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है इस गाड़ी के कंट्रोल से रिलेटेड, आपको कुछ वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, वो वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।